Our best friend is getting married. पहले हाँ ये पकड़ आराम से कर कर मैंने चुन्नी पकड़ी हुई है चढ़ जा ये ऑल्टो नेपाल में कितने की मिलती है नेपाल में इसका दाम 20 लाख रुपए है आप हाँ। लोगों को अपनी जायदाद बेचनी पड़ जाएगी हाँ ऑल्टो लेने के लिए शादी हो गई यार तुम दोनों में अब लगता है भाई भाई को फील आ रही है शादी हो गई यार तुम दोनों में शादी भाई नहीं आ रही थी अभी 5 बजे कौन सा मुहूर्त है नेपाली टाइम है हाय गाइस आगे तो बोल कैमरे में आके नहीं इट्स जस्ट अ वॉइस ओवर अच्छा आई एम ओमनी प्रेजेंट पहले स्ट्रेट करना उससे करना जैसे अखांशा ने करा था उस दिन वो मैंने ही करे थे वो इसी से हुए थे उससे तो हवा पड़ती है मेरे बालों में वो और खराब हो जाते हैं गाइस हम लोग तैयार हो रहे हैं फॉर द वेडिंग ब्राइड कभी भी आ सकती हैं पिक्चर लाने के लिए हाँ नॉट बिकॉज वी आर लेट बट बिकॉज वी हैव थिंग्स टू डू या आपको ना लगेगा कि दोस्त की शादी है बहन वो आपको आराम से तैयार होना है नहीं भाई वो पता नहीं कौन से दोस्त होते हैं जिनकी शादियों में आप ऐसे जा रहे हो यार ज्वेलरी पहन के कौन सा मेकअप होता है भाई मुझे बताइए कोई ये चीज ये क्या बज रहा है मेरा फोन तो गाना सुनने से कहीं ओके ये कौन सा गाना यार अब क्यों बज रहा है मेरे फोन में बहन तेरा इंडिया वाला चल रहा है क्या हाँ अभी तो ये सब इंडिया के टाइम पे ही चल रहा है यहाँ पर भी मेरा नेपाल का टाइम चल रहा है हाँ तो तेरी गलती है तूने मुझे जल्दी करवा दिया मेरा फोन तो अपने आप अपडेट हो जाता है उसमें मैंने वो लगाया हुआ है भाई जब आंटी ने बोला था ओ फक यार आंटी ने बोला था 5 बजे तो मैंने तो इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग आकांक्षा को टाइम बताया था अभी 5 बजे कौन सा मुहूर्त है नेपाली टाइम है कि हिंदी बस चल चल ये डाल वो वाला बैग उठा मैंने इसे कैसे भरा बहन उसमें जगह कहाँ है जितना सोचा था कि आकांक्षा की शादी है भाई सलीके से तैयार होंगे अच्छे लगेंगे और उतने ही अपन और उतने ही हम लोग ये सब थैले वैले लेके जा रहे हैं हेलो स्पीकर पे डाल आवाज नहीं आ रही हेलो उसको मैसेज कर आवाज नहीं आ रही जितना क्लोज आपका दोस्त होता है उतनी ज्यादा घर वाली फीलिंग आती है और घर वाली फीलिंग का क्या मतलब है घर वाली फीलिंग का मतलब है कि आपको उतना ही दौड़ना पड़ता है इतनी जल्दी आधे घंटे में मैंने पूरा तैयार हुई हूँ मैं ओह माय गॉड Our best friend is getting married. पहले हाँ ये पकड़ आराम से कर कर मैंने चुन्नी पकड़ी हुई है चढ़ जा चल तू आगे बैठ मैं आगे बैठ भाई ये तो मत डालियो व्लॉग में नहीं इट्स बीन 4 years ऑफ योर रिलेशनशिप यू हैव बीन आई लुक लाइक पद्मावत वाली दीपिका एग्जैक्टली यू हैव बीन वेटिंग एंड ऑलमोस्ट डाइंग फॉर दिस मोमेंट आई नो सो लिव एवरी सेकंड ऑफ इट बाय द टाइम यू विल कम बैक यू विल बी मिसेस आकांक्षा अंशुल मैंने कैमरा ऑन कर दिया उसको मेरी शादी एक्शन सुंदर लग रही हूँ भैया कह रहे कितनी यार बोलूं सच आ जाएगा बाहर गाइस के मैं सुंदर लग रही हूँ भैया हम आप हमारे इनको बताओ कि कौन सी गाड़ी है ऑल्टो ये ऑल्टो नेपाल में कितने की मिलती है नेपाल में इसका दाम 20 लाख रुपए है आप हाँ। लोगों को अपनी जायदाद बेचनी पड़ जाएगी हाँ ऑल्टो लेने के लिए अबे क्यों 280% टैक्स अबे किस चीज का चीज खरीद ये गाड़ी का कंपनी रेट है ना 23 लाख रुपए पड़ेगा है ना टैक्सी में 10 घंटे के लिए और 8-10 लाख रुपए पड़ेगा टैक्सी काला प्लेट है भाड़ा का नंबर लेने के लिए इसमें सिंडिकेट है ये आपका पूरा two minutes to the destination 2 minutes left guys हम लोग रास्ता भटक गए थे क्योंकि apparently जिसने कैब बुक कराई है फिर अपनी मांग सुहागन हो संग हमेशा साजन हो हाँ तो मैं बोल रही थी हम लोग ने जिसने मतलब कैब बुक कराई थी उसने दूसरे मंदिर का एड्रेस डाल दिया था तो अपन आधा घंटा एक तो ऑलरेडी लेट और फिर अपन आधा घंटा उधर घूमगे बट एनीवे जस्ट 2 मिनट्स ऐसे एक साथ टाइम
शादी कहीं नहीं होती, कोई शादी कहीं नहीं होती। और मुहूर्त भी निकल रहा है फटाफट से शादी। अगर अंशा को पता चला हील्स की जगह जूते पहनवा के खेलने के भगा रहे हैं। अरे नहीं उठा लेंगे ना कोई। हां गोद में उठा के भागो। छोटी हूँ ना मैं भी छोटी हूँ। हो गया इन पे गिरा मैंने हैप्पी बोला था।
इस शादी खत्म हो गई है। लगा था तू बेटर गाड़ी में लेके जाएगा, रिक्शा में लेके जा रहा है मेरी लड़की। फ्लाइट से आई हो, विदाई देखो रिक्शा में। बाय 213। अरे मैं वही आ रही हूँ। हाँ साथ ही आ रही हूँ। ठंड लग रही है भाई, बहुत गंदी ठंड। और पता है आज मेरा मेकअप इतना अच्छा हुआ था, जिसने मेरा मेकअप अच्छा होता है ना उसे मेरे को फोटो लेने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, और आज मैंने सिर्फ अपनी एक फोटो ली थी। भाई चल बाय, लास्ट में फर्स्ट फ्लोर पे। ठीक है भाई, मेरे को पता हुई कहां बात ये नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगी अभी। अभी मत जान। गाइस आज फोटो लेने का टाइम नहीं मिला है इतने अच्छे मेकअप होने के बावजूद। अरे वो कितना शाइन कर रहा है गले का, मेरा 9 लाख का हार। ओए ये ऊपर कर, ऊपर कर। भाई ठंडा लगेगा हाथ में, दूसरे पीछे गर्दन, या तो गला ढक लो या हाथ ढक लो। हमें क्या खाना है और पिज्जा वाले की दुकान बंद हो गई क्योंकि अपन इतने लेट हो चुके हैं हर जगह की। हमारा जीजा ही नहीं आ रहे अभी तक, तो खड़े हैं ब्राइड वाले चौराहे पे साथ रहेगा क्योंकि हम चाहते हैं अंदर गॉसिप ऐसे बातें चल रही है ना भाई। बाद में तुम इतने फोन कर रहे हो तो पहले तो इधर आया। आजा चुपचाप गाइस, हम जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉयड दिस व्लॉग। दिस इज लाइक, मतलब कि आई थिंक ये एक ऐसा व्लॉग है जिसको मैं हर कुछ महीने में वापस जा के देखूंगी। स्टिल वर्किंग, मेड ऑफ ऑनर कभी मत बनना, कभी मत बनना, क्योंकि तुम मेड ऑफ ऑनर भी मेड हो जिसको ऑनर भगवान जाने कब मिलेगा ना। एकदम जब वो हिट करा ये, जब हम छोटे बड़े कजन से शादी के बाद बैठते थे और हम कहते थे हमें भी ले लो, नहीं तुम सो जाओ। अब हम वो कजन हैं जो हमने, नहीं तुम सो जाओ हम यहाँ है। जल्दी बड़े हो गए यार, शादी हो गई यार तुम दोनों की। भाई वाइफ को फील आ रही है, शादी हो गया तुम दोनों की, शादी नहीं आ रही थी घर जाओगे ना जो पूजा उजा होगी। तू तो रहने इसलिए वो बिदाई चले भी साथ, यही बहनो यही माँ है। अबे नहीं बिदाई वाली फील कैसे आएगी? नहीं आएगी, एयरपोर्ट पे आएगी शायद, नहीं आएगी। अरे इसे तो नहीं आएगी, हमें आ चुकी है इसे, मुझे तो हमें आ चुकी है। हम रोती हैं ऊपर का डिजाइन सेम नहीं लगेगा और रैंडमली रात में डर करेगा।